मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्योंकि जो बजट घोषणाएं हुई है, सबसे बड़ी बात यह है कि उनको लेकर प्रदेश भर से अलग अलग वर्गों के लोग, अलग अलग संगठनों से जुड़े जो लोग हैं, लगातार मुख्यमंत्री की वहां पर रोजाना आ रहे हैं। और आज भी आपको देख सकते हैं कि जो ये बाहर से आने वाले आगंतुक हैं, जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। और खास बड़ी बात यह है कि कोई फूल लेकर आया है, कोई छापा लेकर आया है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनका उनके हाथ की जो माला लेकर उन्हीं का सम्मान कर रहे हैं। यानी एक सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर देखिए, अभी कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री ने इन लोगों से जो यहाँ पर आए हैं आभार जताने के लिए जो दोनों उनसे उन्होंने बात भी की है, और उन्होंने अपने बाकायदा संबोधित करते हुए ये कहा है कि जो बजट घोषणाएं हुई हैं वो समय पर धरातल पर आएगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी आम आदमी है वो सरकार की ये जो घोषणाएं हैं जो कि अब धरातल पर आएगी उनको लेकर आम आदमी तक उन घोषणाओं को पहुंचाएं, जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाया जाए, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार का जो यहाँ प्रतिनिधित्व खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं, वो यही मानते हैं कि आम आदमी की अगर तकलीफ दूर होगी तो इससे कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत मिलेगी, तो ये एक अहम है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरह से, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ये जननायक माना जाता है, क्योंकि आम आदमी की जो एक जरूरत होती है वो बाकायदा समझते हैं। और उन्होंने यहाँ जब बात की तो भी वो यही कह रहे थे कि जो भी समस्याएं हैं कोई भी उनके यहाँ पर जो निवास है वहां पर आ सकते हैं, ये सबसे एक अहम बात है। और क्योंकि जिस तरह से ये जो सिलसिला है आभार जताने का, जो प्रदेश भर से लोग आते हैं, लगातार ये जो सिलसिला है वो जारी है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे अहम बात ये हो जाती है कि जो घोषणाएं हुई उन घोषणाओं को उनकी क्रियान्विति किस तरह से करवानी है, उसको लेकर तो मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा ले रहे हैं, बैठक कर ही रहे हैं। लेकिन सबसे अहम सही हो जाता है कि जनता जब उनके दरवाजे पर आती है, आम आदमी किसी संगठन से जुड़ा हो या किसी भी पार्टी का हो, वो भी यहाँ आता है तो उनकी फरियाद खुद मुख्यमंत्री सुनते हैं। देखिए फिलहाल यहाँ पर जो सिलसिला था सुनवाई का और खासकर आभार जताने का जो सिलसिला था वो आज की जो अवधि है वो खत्म हो चुकी है। अब जो लोग हैं यहाँ पे रवानगी ले रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का जो समय था शेड्यूल, क्योंकि आपको बताया कि विधानसभा चल रही है, ऐसे में ये जो पूरी स्थिति है आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं, प्रदेश भर से जो लोग पहुंचे हैं, उन लोगों का यहाँ पर अभिनंदन भी मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। और इसके साथ ही यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि जो आभार जताने के लिए लोग पहुंचे हैं मुख्यमंत्री ने चर्चा भी। Thank you.